गाइस गुड इवनिंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग लास्ट ब्लॉग में देखे थे, हम लोग कोला एक्सप्लोर करके पालोलेम आ गए थे। लेफ्ट साइड में है शॉप्स एंड राइट साइड में है बाइक पार्किंग, स्कूटी पार्किंग। तभी पार्क करेंगे बाइक, फिर अंदर चलेंगे। यहाँ पार्किंग चार्जेस थोड़ा सा हाई है, जैसे कि 1 आवर के लिए 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ ऐसे चल रहा है। अगर आप बार्गेनिंग कर पाते हो तो ठीक है। साउथ गोवा का एक बहुत ही फेमस बीच है पालोलेम। ये एक व्हाइट सैंड बीच है, यहाँ का वाटर बहुत ही काम है। पहले तो इस बीच में सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट ही आते थे, बट अभी इंडियन टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत आते हैं। ये बीच स्विमिंग, फिशिंग, पैरासेलिंग, बोट राइड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लाइफ गार्ड्स ऑन ड्यूटी रहते हैं। ये बीच और भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे कलरफुल सैक्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ का जो रात का डिस्को होता है वो साइलेंट डिस्को है। तो अभी हम लोग जाएंगे बोट राइड के लिए। बोट राइड के लिए बहुत वो लोग चार्ज करते हैं, लेकिन आप लोग जरूर से बार्गेनिंग कीजिएगा। अच्छी बार्गेनिंग स्किल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। निकालने का काम कर रहे हैं। ये है हमारा बोट, हम लोग इस पे अभी जाएंगे। हम लोग दो कपल्स थे और भी दो कपल्स आए, तो फिर एक ग्रुप बना, फिर हम लोग जा रहे हैं। और इस बोट राइड में पहले हम लोग जाएंगे डॉल्फिन पॉइंट, डॉल्फिन देखेंगे, फिर जाएंगे मंकी आइलैंड एंड बटरफ्लाई बीच, और जाएंगे हनीमून बीच। लेट्स एंजॉय द बोट राइड। अभी हम लोग डॉल्फिन पॉइंट पे रुके हुए हैं डॉल्फिन देखने के लिए, लेकिन एक भी डॉल्फिन अभी तक नहीं आया है, शायद आ जाएगा। बोट वाला लोग बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा डॉल्फिन है, वो लोग आ जाता है, सामने में दिख भी सकते हैं और नहीं भी, पता नहीं अभी दिख पाएंगे कि नहीं। डॉल्फिन देखे तो मन बहुत ही खुश हो गया। अब चलते हैं मंकी आइलैंड की तरफ। मंकी आइलैंड जाते जाते एक रॉक मिला जिसका हैंड जैसा शेप है, 5 फिंगर्स भी है उसमें, एकदम हैंड। अभी सामने जो आइलैंड दिख रहा है वो है मंकी आइलैंड। यहाँ पे बहुत सारा मंकी है, इसलिए ये आइलैंड का नाम है मंकी आइलैंड। यहाँ पे हम लोग उतरेंगे नहीं, ये सिर्फ यहाँ से ही देखेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच। सामने जो दो माउंटेन दिख रहा है उसका बटरफ्लाई शेप जैसा होने से ये बीच का नाम है बटरफ्लाई बीच। और इस बीच पे लोग क्लाइंब करके भी आते हैं, ट्रेक करके, वो आप लोग देख सकेंगे ऊपर एक दो कोई कोई खड़ा हुआ है, वो लोग सब ट्रेक करके आए हुए हैं। बट यहाँ ट्रेकिंग करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ट्रेकिंग का रास्ता बहुत बहुत ही खराब है। भी रहता है और थोड़ा धूप भी ज्यादा है। आप लोगों को उधर उतारेंगे, दूसरा बीच है ना हनीमून बीच, क्या उधर उतर। इस बीच में बहुत क्राउड है, तो हम सबको ही मिलके डिसाइड किए कि यहाँ नहीं उतरेंगे, हम लोग हनीमून बीच पे ही उतरेंगे और वहाँ एंजॉय करेंगे। तो इसलिए भैया लोग भी बोट घुमा रहे हैं अभी।
जाते जाते और एक व्यू पॉइंट मिल गया, टोर्टोइस जैसा एक शेप वाला रॉक, जिसमें देखिए धीरे धीरे हेड दिख रहा है, एकदम पूरा टोर्टोइस लग रहा है, बहुत ही अच्छा, एकदम नेचुरल ब्यूटी है ये। अभी हम लोग आ गए हैं हनीमून बीच पे, ये बीच आप लोग ट्रिक करके नहीं आ सकते हैं, ये बीच में आने के लिए आप लोगों को बोट हायर करना पड़ेगा और ये बीच बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कोई फूड ऑप्शन नहीं है, आप लोग आते हो तो बैग में चिप्स वगैरह जो कुछ भी लाना चाहते हो आप लोग ला सकते हो। ये हम फाइनली आ गए हैं हनीमून बीच। बैठ के फोटोग्राफी चल रहा है। बहुत सारा टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद चलिए अभी बैक करते हैं, बहुत सारा फोटो क्लिक्स किए और चिल भी किए। जाते जाते मौसम भी कुछ ऑसम हो गया है, अभी बारिश भी आने वाला है, पूरा क्लाउड्स ही क्लाउड्स हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल वेदर, ऑसम। वेव्स थोड़ा सा हाई है, हवा चल रहा है पूरा, तो अभी फोन पे भी आ सकता है। बाय बाय बोट, बाय बाय पालोलिम बीच। हम लोगों का प्लान था यहाँ लंच करने का, लेकिन अभी लगभग 2:45 बज गए और बारिश भी चालू हो गया, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं अभी निकल जाते हैं हेगोंडा के तरफ, वो करके फाइनली अगर टाइम मिला तो लंच करेंगे, नहीं तो फिर से लंच स्किप। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि घूमने दिया जाए तो लंच नहीं लग रहा है, तो चलिए अभी बहुत रास्ता कवर करना है, हेगोंडा जाना है, उसके बाद कोलवा लौटना है। पालोलिम से निकल चुके हैं, जाते जाते सामने मिला है एक मिलिट्री बस, वो लोग हम लोगों को वीडियो फॉलो करते हुए हाई किए हैं। ऐसे रास्ते में अगर इंडियन आर्मी का ट्रक दिख जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है मन, पता नहीं क्यों। यहाँ स्काई एकदम क्लियर है और रास्ता भी एकदम स्मूथ है। तो फाइनली हम जल्दी जल्दी में पहुँच गए हेगोंडा बीच। बहुत ही बढ़िया बीच है, लेस क्राउडेड, इधर का सारा बीच ही एकदम क्राउड कम है, क्राउड है लेकिन बढ़िया है, शांत है, नेचर को फील करने के लिए बहुत बढ़िया है। बाकी जहाँ पे बटरफ्लाई और हनीमून बीच पे तो अलग करके बैठ के पूरा शांति आ जा रहा है मन में, बहुत बढ़िया है। हेगोंडा बीच से निकल के शॉर्टकट लेते हुए हम लोग मेन रोड पे पहुंच गए हैं। यहाँ से एकदम हाईवे है, पहाड़ों जैसा रास्ता है, यहाँ पे रोड्स तो अच्छा है लेकिन डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो चलिए होटल में जाके मिलते हैं। बहुत सारा घूमने के बाद अभी लंच, चिकन पंजाबी और तंदूरी रोटी फाइनली, और यहाँ पे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे फाइनल। शाम
शाम के 5 बजे लंच करके थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हुए हम लोग पहुंच गए फिर से कोलवा बीच। यहाँ थोड़ा सनसेट एंजॉय करेंगे, रुकेंगे, फिर चलेंगे होटल। चलिए अभी यहाँ से निकल के होटल चलते हैं, होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर फ्रेशन अप होके फिर से निकलेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर से निकल गए दोनों रात के 8 बजे और ये है शाम का चाय, मतलब शाम नहीं रहा। हरमन चाय वाला कोलवा का सेकंड कोलकाता होटल एंड रेस्टोरेंट। तो कोलवा में बहुत बंगाली मिल जाएंगे आपको, इधर बहुत रेस्टोरेंट भी है, बंगाली खाना भी पूरा मिलता है। हमारे फेवरेट साउथ गोवा के रेस्टोरेंट में ये है प्रॉन्स, यहाँ पर चिकन और चिकन गोवा चिकन रोटी। ये क्या कथर है और ये गाड़ी देख के काफ़ी अच्छा लगा। गोवा जैसे आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।